नमस्कार दोस्तों, साइंस सॉल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुक्ला सर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि कशिश का तेल किसे कहते हैं, व्हिच इज नोन एज ऑयल ऑफ वायलेट। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि कशिश का तेल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, और क्यों कहते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे, और इसके बारे में क्या इतिहास है वो भी हम जानने का प्रयास इस वीडियो में, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो कशिश का तेल दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका अणुसूत्र होता है H2SO4, इसे कशिश का तेल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में जो इतिहास है, तो दोस्तों सर्वप्रथम गेबर ने गेबर जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, इसे 8वीं शताब्दी में प्राप्त किया। मतलब इसके बारे में 8वीं शताब्दी में पता किया मिस्टर गेबर ने। आप कहते हैं 1600 ईस्वी में वेसल वैलेंटाइन ने इसे हरे कशिश, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, तो इसे हरे कशिश यानी फेरस सल्फेट के आसन द्वारा प्राप्त। अब इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, तो जो हरा कशिश होता है यानी फेरस सल्फेट, उसका जो अणुसूत्र होता है FeSO4-7H2, ये जो क्रिस्टल फॉर्म होता है, इसको जब गर्म किया गया, इसका आसवन कराया गया, तो इसे प्राप्त हुआ Fe2+13H2+SO2+H2SO4, राइट। तो चूंकि ये हरा कशिश यानी क्या है, फेरस सल्फेट, तो यह सल्फ्यूरिकम जो है फेरस सल्फेट यानी हरे कशिश के आसवन द्वारा प्राप्त किया गया, इसीलिए इसे हरे कशिश के नाम से जाना जाता है। ठीक बात है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हरा कशिश क्यों कहते हैं, क्योंकि वेसल वैलेंटाइन ने इसे हरे कशिश के आसवन द्वारा प्राप्त किया, और तेज ऐसी इसकी प्रकृति होती है, इस वजह से इसको क्या कहा गया, हरा कशिश कहा गया। दोस्तों, एक और बात है जो अक्सर वो भी पूछा जाता है कि व्हिच इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल। तो किंग ऑफ केमिकल अम्लों का नाम है, देखिए हर चीज के राजा रानी होते हैं, जैसे फलों का राजा आम है, हैं? सब्जियों का राजा आलू है, तो हमारे केमिस्ट्री में अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो व्हिच इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल। तो दोस्तों, आप जान लें कि ऑयल ऑफ बैक्टीरिया या कशिश का तेल या जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम अम्लों के राजा के नाम से जानते हैं। तो क्यों इसे अम्लों का राजा कहा गया, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो औद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो लगभग समझ लीजिए 90% जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें इसका प्रयोग जरूर किया जाता है, हैं? हर जगह इसका बहुत ही व्यापक वाइटल यूज है। इस वजह से वाइटल यूज होने के कारण, व्यापक प्रयोग होने के कारण इसको अम्लों का राजा कहते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बना रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।